सो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है और मैंने यहाँ पर पुट ऑप्शन यहाँ पर बाय किया हुआ है, 43,600 का पुट ऑप्शन, 85.66 पे मैंने जस्ट अभी इसको बाय किया हुआ है। और ये चीज़ मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो मैंने डिटेल में वहाँ पर समझाया हुआ है क्या लॉजिक है इसके पीछे का। तो एक बार हम देख लेंगे कि कैसे परफॉर्म करता है। इसमें जो रिस्क है हमारा अप्रॉक्सीमेटली जो मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ समवॉट 35,000 के आसपास का रिस्क है अपना इस ट्रेड के अंदर, और रिवॉर्ड हम ट्राई करेंगे इससे ज़्यादा कमाने के लिए। और करंटली जो है हमारा ये 78 के आसपास नियर टू ऑलमोस्ट कॉस्ट बोल सकते हो आप, चल रहा है ये। अपडेट करता हूँ मैं आपको, लेट्स सी कैसे मूव करता है ये हमारा। देखिए यहाँ पर मैंने टेलीग्राम पे बताया हुआ है कि यहाँ पर हम लोग फ्रेश सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। उसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है कि मार्केट जो है ऊपर से रिजेक्शन फेस कर रहा है बार बार, और हम लोगों की एंट्री के हिसाब से यहाँ पर हम आराम से 1:2 कमा सकते हैं, तो उसके ऊपर ही इनफैक्ट। तो उस हिसाब से मैंने भी यहाँ पर पर्सनली अपने अकाउंट में पुट ऑप्शन बाय किया हुआ है, हालांकि ऑलमोस्ट एट द मनी वाला ही लिया हुआ मैंने और आज एक्सपायरी है, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा रिस्क लेने के हिसाब से मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, कोई इशू की बात नहीं। लॉस का रिस्क लिया है तो उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट का भी अपना यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पर रिस्क लिया हुआ है। रही बात ये पहले की, जो दो तीन ट्रेड आपको दिख रही है मार्केट तो कुछ ज़्यादा मूव कर नहीं रहा है, तो इसलिए कुछ हमने आज मैंने कुछ खास ट्रेड तो किया नहीं है, तो इस ट्रेड से मुझे उम्मीद है, लेट्स सी अभी कैसे परफॉर्म करता है। या तो लॉस देके जाएगा तो भी ठीक है, प्रॉफिट देके जाएगा तो बहुत बढ़िया है। अपडेट करता हूँ मैं आपको कैसे करता है ये नेक्स्ट मूव। तो देखिए ट्रेडर्स ऑलमोस्ट ये 61-62 के आसपास आया है और हमको यहाँ पर 14,000 का लॉस दिखा रहा है। लिमिट तो अपना 30-35 का भी है, कोई इशू नहीं है उसमें। इस ट्रेड के अंदर ऑलमोस्ट 58 के आसपास आया है, मार्केट ने एक वन साइड मोमेंटम अपसाइड दिखाया। देखो वो दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब तक वो नहीं होगा तब तक यहाँ पर फ्रेश बायर्स आएंगे नहीं, जब तक फ्रेश बायर्स आएंगे नहीं तब तक मार्केट ट्रैप किसको करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मार्केट को थोड़ा ऐसा दिखाना है ब्रेकआउट्स वगैरह, तो जाके फिर मोमेंटम करेगा मार्केट नीचे की तरफ और ट्रैप करते हुए फिर नीचे की तरफ आ सकता है। अगर नहीं हम गलत साबित होते हैं तो ठीक है, हम स्टॉप लॉस लेके आराम से निकल जाएंगे, उसमें भी कोई इशू नहीं है। 21, 22, 23, 24,000 के आसपास लॉस, 23,000, 24,000, 25,000 बहुत ज़्यादा नियर बाय हम अपने स्टॉप लॉस के, 27,000 बहुत ज़्यादा नियर बाय है, रेडी हो जाते हैं इसको एग्जिट करने के लिए। एज़ पर टेलीग्राम जो फ्यूचर का लेवल दिया था वो तो उसका एग्जिट हो चुका है, बट मैंने थोड़ा सा ऊपर के लेवल्स पे लिया था, तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस अभी भी इंटैक्ट है, तो तभी मैं इसको होल्ड करके बैठा हूँ। ज़्यादा दूर तो नहीं है मेरा भी स्टॉप लॉस, 48, 53 मूव देखिए ऊपर से क्या फेंक रहे हैं लोग, 32 से 58 आई थिंक ये गया, बहुत तगड़ा मूव आ रहा है। ऑलमोस्ट 35 का अपना स्टॉप लॉस था, 33-34 के आसपास आया ये और वहीं से घूमते हुए दिखा रहा है। यहाँ से भी अगर फेंकते हैं तो ये 75 तो भी अच्छा फेंक सकते हैं इसको। ये लो बैक टू पवेलियन, मार्केट बैक टू पवेलियन, 6,000। जब लॉस हो रहा था तो अपना लॉस हो रहा था ऑलमोस्ट अगर याद करें तो 34,000 के आसपास लॉस हो रहा था, तो मिनिमम तो 34,000 तो अपना प्रॉफिट रखना ही है, उतना तो मिनिमम चाहिए चाहिए, 1:1 तो हमको तभी जाके मिलेगा। उसके ऊपर हम जितना भी परसेंटेज बढ़ाएंगे उतना परसेंटेज हमारा मतलब 1:1 के ऊपर निकलेगा। नाउ लेट्स सी कैसे मूव करता है, कैसे परफॉर्म करता है ये। बैक टू पवेलियन तो हो चुका है, आई होप इतना थ्रिलिंग आपको देखने में मज़ा आ रहा होगा। रिट्रेसमेंट्स क्या आ रही है, वॉलेटिलिटी टॉप नॉच वॉलेटिलिटी है, 90 से लेके अगेन फिर ये ऑप्शन आधा हो गया, अभी तक तो 3 भी नहीं बजे हैं, 2:30 बजे देखो क्या वॉलेटिलिटी मिल रही है, क्लासिक वॉलेटिलिटी, मज़ा आ गया। मनी इज ऑन स्टेक बट स्टिल वॉलेटिलिटी जो मॉर्निंग से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आएगी आएगी वन साइड, तो वो नहीं आ रही थी। स्ट्रगल देख रहे हो ट्रेडर्स, 85 पे बाय किया है, 35-36 तक गया है वो, वहाँ से 90 का हाई मारने के बाद फिर 85 का हाई मारने के बाद अब फिर 70 पे खड़ा है वो, मेहनत करवा रहा है मार्केट, मेहनत।
चलो फाइनली ट्रेडर्स मार्केट बैक टू पवेलियन जो हमको चाहिए था। अब यहाँ से थोड़ा कंटिन्यूटी होना चाहिए तो मज़ा आएगा। कंटिन्यूटी दिखा दे तो बहुत तेज़ी से गिरेगा मार्केट ट्रेडर्स। सर कंटिन्यूटी थोड़ा बहुत होना चाहिए। 97-98 तक गया बट अगेन फिर वो कॉस्ट के नियर अबाउट आया। प्रीमियम वाइपआउट देखो ट्रेडर्स कैसे किया जा रहा है यहाँ पर। कोई बात नहीं, 24-26,000 के आसपास लॉस चल रहा है अपना। 90s के नियर पर आया था तो वो टाइम पे मूव चाहिए था अपने को कंटिन्यूटी में। अगर वो मिल जाता तो बढ़िया हो जाता बट ठीक है, मार्केट का प्लान थोड़ा अलग है, देखते हैं। यहाँ से भी कोई बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं है, इट्स जस्ट वी आर नियर टू क्लोजिंग, तो इसलिए फटाफट फटाफट प्रीमियम यहाँ पर आपको मेल्ट होते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट छोटे स्टॉप लॉस से हम निफ्टी में भी एक ट्रेड ले सकते हैं छोटी सी, तो निफ्टी को भी हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर 800 क्वांटिटी करते हैं तो ठीक है, इसको हम लोगों ने ये भी ले लिया, ये भी हमारे पॉकेट के अंदर ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये गिरेंगे तो यहाँ से दोनों गिरेंगे, अगर इन केस बैंक निफ्टी कुछ नहीं भी कर पाता है तो निफ्टी अपने को तगड़ा मूव दे सकता है यहाँ से। तो यहाँ पर हमने 800 क्वांटिटी निफ्टी का भी उठा लिया है। देखिए निफ्टी को तो फेंक दिया, 97 का भी आई थिंक हाई लगाया था इसने अभी, 96 पॉइंट समथिंग, और बैंक निफ्टी में क्यों नहीं मूव आ रहा इतना। बैंक निफ्टी में मूव आना बाकी है, निफ्टी तो सही चल रहा है, बैंक निफ्टी को पता नहीं क्या है। काम करते हैं, इसको निकालते हैं, छोड़ उस चक्कर में वो भी साइडवेज ना हो जाए हमारा। हाथ में आया हुआ पैसा इसका कितने में निकाला हमने, 94 पे, 10 पॉइंट ठीक है इसमें। बैंक निफ्टी कुछ बिहेव नहीं करता, उस चक्कर में हमारा वहाँ पर भी फिर लॉस नहीं हो जाए। डायरेक्शन क्लियर है बट इशू इसकी मूव नहीं आ रहा है और हम क्लोजिंग के नियर बाय हैं तो लॉजिक नहीं बनता उसको होल्ड करके, तो उसको निकाल दिया हमने। जो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कर रहे हैं और फिर रुक जा रहे हैं वो तो लॉजिक नहीं है। वी विल कंटिन्यू अवर दिस ट्रेड जिसमें हमारा 35 का जो है अपना स्टॉप लॉस है एंड एटलीस्ट ट्राई करेंगे 40-50 के आसपास निकालने के लिए, उससे पहले नहीं निकालेंगे इसको। ओके फाइनली फिर से 80s, तो आप भी देख के मैं भी देख के बहुत बोर हो गया हूँ। 80s तो बहुत बार आ चुका है अभी, अब ये बैक टू पवेलियन 95-98 भी पहले भी दिखा चुका है वो, 100 नहीं दिखाया उसने, 104-106 अब जाके दिखाया है। अब 14-16,000 का प्रॉफिट चल रहा है अपना। ध्यान रखना 35 अपना स्टॉप लॉस था, तो 35 के ऊपर जितना भी ज़्यादा हम खींच सकें, डेट इज़ अवर मेन फर्स्ट प्रेफरेंस कि उसके ऊपर करना है, नहीं तो कहीं ना कहीं हम लोग फिर जो हमारा स्टॉप लॉस था उससे गद्दारी करेंगे और टारगेट से तो गद्दारी होगी होगी फिर तो। 20,000, 22,000, 25, 30 तक आ गए हम लोग, 34, 36, 43, 1:1 अचीव कर दिया हम लोगों ने, 1:1 अपना अचीव हो चुका है। वेट करते हैं 43 के आसपास तक पहुंच गए थे हम लोग और वो टाइम पे CMP मैंने नोट नहीं किया, नहीं तो हम टारगेट अभी लगा देते। कोई बात नहीं, मार्केट पे निकालेंगे इसको। 33, 36, 38, 40, 41, 44, 51 ये परफेक्ट है।
अब हम लोगों ने, हाँ मतलब पता नहीं क्यों बुक नहीं हुआ, बस 52,000 बुक किया हमने ट्रेडर्स। देखो इसमें, इस ट्रेड में हमने 52,000 ये क्या हो गया, अच्छा ओके सॉरी माय मिस्टेक, 85 पे हमने बाय किया था, ऑलमोस्ट हमने 172.50 पे निकाला, मतलब लगभग हमने यहाँ पर डबल का कमाई की हुई है इस लेवल्स पे, ठीक है जी। तो आज के दिन पे हमने 51,000 बुक किया हुआ। अब आपका डाउट एक ये होगा कि फ्यूचर के हिसाब से स्टॉप लॉस लग गया था तो आपने स्टॉप लॉस कैसे ये किया, तो देखो मैंने इसमें मनी टर्म्स के हिसाब से किया था, क्योंकि मुझे मोबाइल में रिकॉर्ड करना है, बार बार स्क्रीन नहीं दिखा सकता आपको मैंने, तो इसलिए मैंने एक टेंटेटिव अमाउंट सेट किया हुआ था, डडी वर्ड होता। अब उसमें आप बोलोगे कि आप बहुत लकी हो, देखो लकी की इसमें कोई बात नहीं होती है, यहाँ पर आपको एक पॉइंट बहुत सिंपल वे में समझना है, 95 के बाद आने के बाद उसने लगभग 40 के आसपास आया था, फिर से मेरा 30,000 के आसपास लॉस दिखा रहा था, तो क्या मैं डर के निकला, नहीं निकला। तो रूल्स मैंने कम्प्लीटली फॉलो किया तब जाके मेरा ये पैसा बना है, ओके। हाँ इसमें आप एक चीज़ ये ज़रूर कमेंट कर सकते हो कि फिर मुझे ये भी होल्ड करना चाहिए था, मैं इसको इसलिए होल्ड नहीं कर रहा था, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन हो रहा था कि अगर लेट्स से मार्केट ना ज़्यादा ऊपर जाए ना नीचे जाए और दोनों एक ही जगह खड़े हो जाए तो मेरा लॉस लिमिट बढ़ जाएगा, फिर कोई लॉजिक नहीं। अब मैंने इसको निकाला कितने पे, 94 पे निकाला है, और अब देखो कितना चल रहा है, वो अब चल रहा है वो ऑलमोस्ट 120, मतलब समवॉट मेरा यहाँ पर 16,000-18,000-20,000 के आसपास और प्रॉफिट होता, बट निकाला मैंने प्रॉफिट पे, थिंकिंग में जो सोच रहा था उसके बाद मार्केट ने कुछ रिएक्ट नहीं किया तो मैंने इसको यहाँ पर निकाल दिया। ऐसे वीडियोस चाहते हो तो कभी कभार मैं, आज मेरी एनर्जी बहुत डाउन है क्योंकि सेशन बहुत देर चला तो इसलिए मैं स्क्रीन के ऊपर रिकॉर्ड नहीं कर सका, मेरे को हैंडी हो गया मोबाइल तो मैं मोबाइल पे रिकॉर्ड कर दिया और आपसे बात कर रहा हूँ मैं। चार्ट्स वगैरह भी तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, टेलीग्राम पे भी मैंने आपको बता दिया कि मैं क्यों यहाँ पर देख रहा हूँ सेलिंग के लिए, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटे थे। अब यहाँ पर आप समझ गए 35 की अगेंस्ट में मैंने 52 यहाँ पर बुक किया हुआ है, तो 5,000 लाइक ज़रूर करवा दीजिएगा। तो मैं ऐसे वीडियोस फिर स्क्रीन के ऊपर जैसे जैसे मैं फ्री होते रहूँगा, जब लेट से ट्रेडिंग कम करनी है या अच्छा मूड है ट्रेडिंग का, तो उस दिन फिर मैं आपके लिए लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस लाते रहूँगा टाइम टू टाइम, रेगुलर का प्रॉमिस नहीं है, टाइम टू टाइम ज़रूर लाते रहूँगा, बट 5,000 लाइक्स आएंगे तो ही मेरा मोटिवेशन होगा कि मैं आपको करूँगा और आपके साथ चीज़ें मैं लाइव मार्केट में मेरे लाइव इमोशंस ऐसे रिकॉर्ड करते हुए आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।